ये तो होता है ऑनलाइन के थ्रू। अगर आप मान लो इन मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथुआनिया की टोटल कैटेगरी के जॉब है, लिथुआनिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जितने भी मैन पावर ऑफिस है यहाँ पे सब कुछ, जितनी भी आप वैकेंसी देख रहे हैं टोटल की टोटल वैकेंसी यहाँ पे आई होती है। तो 1-1.5 लाख रुपए तो आपके बची जाएंगे, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपकी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लिथुआनिया। जी हमें लिथुआनिया आपको सबको पता है यूरोप में शेंगेन कंट्री है, जो लगभग 2004 में इसमें शामिल हुआ था। यहाँ पे हम बात करेंगे, वीजा का कोई चार्ज नहीं लगेगा, 3 लाख रुपए आप वहां पहुंचते हैं आपको वापस सामने और मिल जाएंगे। और क्या कारण है नोज वीजा चार्ज, इस पर हम बात करेंगे। लिथुआनिया, देखिए आजकल हम वीडियो वही बनाते हैं भाई जो लोग ज्यादा सर्च करते हैं। मैं एक विशिष्ट एल्गोरिथम यूट्यूब का देख रहा था, उसमें दो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मेरे पास में, कि इसराइल और लिथुआनिया। तो इसराइल और लिथुआनिया से रिलेटेड हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, हालांकि इसमें 2-3 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन और इसमें क्लियरिफिकेशन जितना आता रहता है वो आपको लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो लिथुआनिया से रिलेटेड सभी चीज पे हम बात करेंगे कि इंडिया से लेके वहां तक जॉब कैसे मिल सकता है, उस पर पूरी डिटेल से इसमें बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि देखिए इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, शॉर्ट बताऊंगा जॉब के बारे में, क्योंकि इसमें हमने 2-3 वीडियो पहले से बना रखे हैं। लिथुआनिया की अगर देखा जाए तो ये लिथुआनिया कंट्री है भाई, यूरोप में 27 देश है, शेंगेन में उसके हिस्सा है, नजदीक पोलैंड पड़ जाता है, वेन्यूस इधर है, इधर बेलारूस है और इधर लातविया रूस, तीन देशों की इसकी सीमा लगती है, इधर बाल्टिक सागर आपको पता है तो समुद्र है, तीन देश यहाँ इनके नजदीक लगते हैं। यहाँ पे स्किल्ड भी जा सकते हैं, हाई स्किल्ड भी लोग जाते हैं, और अनस्किल्ड लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जॉब की बात करें, देखिए 2024 में लिथुआनिया में जॉब की कमी नहीं है भाई साहब, जॉब की यानी कमी चल रही है, लोगों की कमी चल रही है, जॉब की कमी नहीं है। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले बनाया था, लगभग अभी 2024 में 50,000 से ज्यादा जॉब आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और ये जो जॉब है ना, ये टोटल की टोटल जॉब वहां पे अवेलेबल है। इस जॉब का शॉर्ट में समझ लो कि ऐसा कोई जॉब नहीं है जो आपको काम आता और वहां पे नहीं हो, सब वैकेंसीज अवेलेबल है अगर आप लिथुआनिया जाते हैं तो। ये सब प्रकार के जॉब यहाँ पे बताए गए। यहाँ पे अगर बात करें ना, मेन चीज क्या आती है, मेन चीज ये आती है, देख सकते हैं लिथुआनिया 2024 में 50,000 से ज्यादा जॉब मिलेंगे, और वीजा सक्सेस रेट पता है आपको क्या लिथुआनिया की भाई साहब, वीजा सक्सेस रेट है 98%, 100 लोगों में से 98 लोगों को ये देश वीजा दे देता है, तो कितनी अच्छी बात है भाई साहब, है ना। और विजिट वीजा की अगर फीस की बात करें तो मात्र 80 यूरो लग जाता है, अब 80 यूरो का 7,000 रुपए के करीब बन जाता है, और 3 लाख रुपए का मतलब यह है कि लिथुआनिया अगर आप जाते हैं तो सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि भैया आप हमारे देश आते हैं तो हम आपको लगभग 3,000 यूरो से प्लस यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। इसमें कुछ कंडीशन रूल है जो मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको जाते ही 3 लाख रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं लिथुआनिया में, ये कितनी अच्छी बड़ी बात है ना। 7 दिन में प्रोसेस हो जाता है भैया, विजिट वीजा आपको 7 दिन में मिल जाता है, परमिट वीजा आपको 15 दिन में मिल जाता है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आईलेट्स की जरूरत नहीं है, वर्क परमिट वीजा की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, टेस्ट की भी जरूरत नहीं है ना, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आप अनपढ़ आदमी है तो भी यहाँ पे जा सकते हैं। एक्सपीरियंस की कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या पता क्या, लिथुआनिया ने ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए देखिए वीएफएस से भी स्टार्टिंग अपनी सेटिंग कर ली है भैया, कि अब आपको पहले एम्बेसी से वीजा अप्लाई करना होता था, खुद को वीजा लेना तो वीएफएस लिथुआनिया की एम्बेसी दिल्ली है वहां पे जाना पड़ता था, लेकिन अभी वीएफएस से भी इसने टाई अप हो गया है, अब वीएफएस के थ्रू भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं ना, फ्री वीजा मिल जाता है। फ्री वीजा का मतलब क्या होता है, फ्री वीजा का मतलब ये होता है कि आपको स्पॉन्सर के थ्रू या फिर आप जाते हैं और एजेंट को पैसा भी देके जाते हैं तो भाई साहब ये पैसा तो आपको मिल ही जाता है वापस, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पैसा अगर आपने मान लो 3 लाख 3.5 लाख किसी एजेंट को दिए जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, और उसने वहां जाते आपको ये पैसे वापस मिल गए, तो वीजा मेरी तरफ से तो फ्री हो गया ना, मैं जहां तक सोचता हूँ कि आपको फ्री वीजा मिल जाता है, टिकट फूड रहना खाना सब कुछ यहाँ पे फ्री मिल जाता है। डी वीजा, ये वीजा किसको बोला जाता है, ये वीजा वही वीजा होता है जो सबसे ज्यादा वीजा चलता है, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा बोला जाता है, 2 साल प्लस 2 साल 4 साल तक भाई साहब आप इस वीजा में काम कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। सैलरी की बात करें तो भैया सैलरी की अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 1-1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए तो नॉर्मल आदमी जो स्टार्टिंग में कमा सकता है, और जो हाई स्किल्ड होती है उनकी वो ज्यादा पैसा भी कमा सकता है, 3 लाख रुपए महीना कमा सकता है, या फिर नॉर्मल जैसे आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है आपको 4-5 साल हो जाती है तो यही सैलरी आप 1 लाख कमा रहे हो फिर 2 लाख कमाने लग जाओगे, है ना, वो सिस्टम आपको धीरे धीरे होता है उसके ऊपर, लेकिन फर्स्ट में इतनी तनख्वाह नहीं है कि भैया जाते ही कोई 3 लाख दे दे। लिथुआनिया इतनी बड़ी भी कोई रिच कंट्री नहीं है कि जाते आपको इतना पैसा मिल जाए, है ना, लेकिन अगर लाख रुपए भी आपकी शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे तो वो बढ़ जाती है। बड़ी बात क्या इसमें है ना, वीजा इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है भाई साहब आपको, अगर आपको वीजा मिल जाता है वीजा तो एम्बेसी में बहुत सारे देशों में आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, पोलैंड माल्टा जाओगे तो भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन इस देश में अगर आप जाते हैं तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। अब मेन बात पता है क्या है, वीजा प्रोसेस कैसे होगा, इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आपको एक सीवी आपके पास होना चाहिए, कवर लेटर आपके पास, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास होनी जरूरी है। ये मान लो आपने ऑनलाइन है या किसी
भी प्रकार से कोई वेबसाइट पे आप ये डाल देते हैं और आपसे चलो भाई कोई भी आपको ऑफर लेटर दे देता है, ये अगर आप मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाओगे तो भी यही प्रोसेस होने वाला है। तो आपने मान लो ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, ऑफर लेटर मिलने के बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होता है एम्बेसी में, लिथुआनिया की एम्बेसी जो दिल्ली है वहां पर आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना होता है। वहां पर अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको जो मेन जॉब ऑफर लेटर है वो आपका पीसीसी, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है ना 30,000 यूरो का आपको होना जरूरी है, और पीसीसी इंश्योरेंस वगैरह और भी कोई डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की कॉपी है तो व्हाइट कलर की बैकग्राउंड की फोटो है, ये आपसे मांगा जा सकता है। ये तो मांगना क्या, मांगा जाएगा, वो सब कुछ लेके आपको एम्बेसी में जाना होता है, उसके बाद आपके पासपोर्ट में वीजा स्टंप होता है। वीजा चार्जेस की बात करें तो मात्र 140 यूरो फीस लगती है भाई साहब, 140 यूरो का कितना बन जाता है भैया, लगभग 12-13 हज़ार रुपये लिथुआनिया की फीस है, बस यही फीस है। ये तो होता है ऑनलाइन के थ्रू। अगर आप मान लो इन मैन पावर ऑफिस के थ्रू जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथुआनिया की टोटल कैटेगरी के जॉब है, लिथुआनिया का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जितने भी मैन पावर ऑफिस है यहाँ पे सब कुछ, जितनी भी आप वैकेंसी देख रहे हैं टोटल की टोटल वैकेंसी यहाँ पे आई होती है। अब आप सोच, आपके मन में डाउट आएगा जो नए लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं कि ये मैन पावर ऑफिस मिलेंगे कहाँ पे। देखिए राजस्थान, अगर इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में भाई लगभग 1800 के करीब मैन पावर ऑफिस हैं, जो 2023-24 की जो शुरुआत हो चुकी है, 2023 की जो नई लिस्ट है वो आ चुकी है, उसमें लगभग 1750 से प्लस मैन पावर ऑफिस हैं और इंडिया में 200 प्लस मैन पावर ऑफिस अभी और ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं, अब जिनके पास ये बुक है, आपके बहुत सारे लोगों के पास ये बुक है, इसमें आप लिथुआनिया से रिलेटेड मैन पावर ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। मिलेगा कैसे, तो भैया आपकी बुक में ये सीरियल नंबर लिखा है ना, सीरियल नंबर 392 है ना, ये जो लिखा है ना यहाँ पे आप उनसे बातचीत कर लो ऑफिस में जाके। फोन पे मजा नहीं आएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फोन पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फोन पे बात नहीं होती, भाई फोन पे नहीं देंगे ये रिस्पॉन्स है ना, फोन पे सिर्फ फर्जी लोगों को एक मिस कॉल कर दो 3 बार दिन में फोन आएगा और वो भी मैडम का है ना। तो इनके लिए आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, एड्रेस आपके पास है सीरियल नंबर के आगे जो एड्रेस लिखा है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ये पैसा कितना लेते हैं, तो ये भी एक मुद्दा बड़ा बन जाता है कि भैया यूरोप देश के नाम से 5-6 लाख से नीचे से कोई सवाल नहीं है, इतना पैसा तो लोग लेते हैं। लेकिन यहां अगर आप जाते हैं तो मुझे जहां तक आइडिया है 3-3.5 लाख रुपए में आपका काम बन सकता है, या ये मानो कि आपके पास ये बुक है ना तो 1-1.5 लाख रुपए तो आपके बची जाएंगे, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूं आपकी। तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लिथुआनिया से रिलेटेड मैंने जो इंपॉर्टेंट, जो बड़ी, जो छोटी छोटी जो जानकारी थी ना वो सब कुछ अलग वीडियो में मैंने दे रखी है 2-3 वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने ये बताया कि भैया 100 तरीके से प्रोसेस कैसे होता है, क्या कितना है, क्योंकि अभी लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो आप चाहो तो भाई यहां पे अप्लाई, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।